निमराड़ा के मोरड़िया गांव में करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार रिको डेवलपर्स आनंदम होम्स के डायरेक्टर चंद्रप्रकाश अरोड़ा और उनकी टीम ने फ्लैट बनाकर बेचने में धोखाधड़ी की थी और स्थानीय लोगों को फ्लैट के नाम पर झूठी जमीन दिखाकर पैसे ऐंठ लिए थे। साथ ही कुछ स्थानीय लोगों की जमीन धोखे से फ्लैट के लिए ले ली, जिनका अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। ऐसे में तमाम पीड़ितों ने अरोड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंद्रप्रकाश अरोड़ा को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अब लोगों को उम्मीद है कि उसको न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व निधि अरोड़ा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। तीन मुकदमों में इन डायरेक्टर्स के खिलाफ, उसकी पत्नी भी डायरेक्टर है और ये खुद डायरेक्टर है। उनकी पत्नी आज के 3 महीने पहले गिरफ्तार हो गई थी, जो अभी कुछ ही दिनों में उसकी जमानत हुई है। तो इनके एक तो मुकदमा सबसे पहले था 641/18 था, जो कि जितने लोग फ्लैट्स के लिए फ्लैट बुक किए, पैसा दिया, उन लोगों को फ्लैट्स नहीं मिले और उनके पैसे भी हड़प लिए। इस संबंध में एक 641/18 मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें करीब 800-700 करीब कंप्लेनेंट्स थे, जिनकी शिकायत थी कि सर हमने इनको पैसा दे दिया और हमें फ्लैट्स नहीं मिले। तो ये इसकी चीटिंग रही। इसके बाद एक 568/19 मुकदमा दर्ज हुआ, जो कि जो जमीन का मालिक था, परिवादी उसमें मोहित था, उसका दादा, जो परिवादी का दादा जो है, उसने एक जमीन का करार किया।